हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों अपने चैनल एक्सटर्नल 0.3 पर। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौले है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौले है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौला पूरा आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों इसके साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। ये दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। चार्ट है बच्चों, ये चार्ट है, आप लोग इसको चार्ट लीजिएगा, ओके, यानी याद कर लीजिएगा बच्चों। ध्यान देंगे अनुपातों का तुलना, अनुपातों का तुलना दिया बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर दे दिया है ग्राफीय निरूपण और यहाँ पर दे दिया बीज गणितीय निरूपण। ध्यान देंगे बच्चों ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे ये चार्ट है, इसको चार्ट के आइएगा आप लोग। अनुपातों का तुलना में दे दिया है a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2। एक्चुअली आप लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि ये सब कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो इससे पहले कुछ समझते हैं बच्चों। एक हम लोग होता है दो रैखिक चर वाला समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यानी दो को चर होगा बच्चों। आ रैखिक, रैखिक मतलब होता है उसका पावर कितना, मैक्सिमम पावर 1। चलिए ध्यान देंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। और इससे पहले आप लोगों को बताया गया था द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax2 + bx + c। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया, यानी सामान्य रूप हो गया, होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। मान लेते हैं हम लोग दे दिए 6x + 3y = में कुछ चार ले लेते बच्चों, एक और लेते हैं रैखिक युग्म पर ये निर्भर करता है बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर निर्भर करता है 2x + 5y = 6। ध्यान देंगे इसका व्यापक रूप होता है, इस दोनों का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1। प्लस ले दो या इक्वल टू के उस बात दे दो c1, ओके। ध्यान देंगे फिर होता है a2x + b2y + ले लो या इक्वल टू के उस बात c2। क्या बच्चों c2। ध्यान देंगे बच्चों a1x + b1y = c1, या अंदर भी ले सकते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। a2x + b2y = c2, यानी यहाँ पर जो होता है a1 का मान होता है b1 और c1, a2 b2 और c2, तो वहीं से ये आया बच्चों a1 a2 b1 b2, वहीं से आया है। चलिए इसको मिटा दे रहे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर ये निर्भर करता है, ओके बच्चों। अब समझते हैं चार्ट क्या बच्चों, उसको चाटिएगा आप लोग, ध्यान देंगे समझते हैं। दिया है a1 by a2 आर नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है किसे बच्चों, b1 by b2। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई होगी, रेखाएं जो होगी क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई होगी। और हल, हल पूछेगा बीजगणितीय निरूपण पूछेगा, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है। ध्यान देंगे इसमें a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, सब बराबर है तो क्या होगा बच्चों, संपाती, सब बराबर से संपाती। और क्या बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी सब हल, सब हल बोले तो अपरिमित रूप से अनेक हल, सब बराबर है तो स से संपाती और से सब हल। अब ध्यान देंगे a1 by a2 = b1 by b2 आर नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी बराबर नहीं है किसके, c1 by c2 के, तो क्या होंगे रेखा है समानांतर, रेखा है समांतर, और कोई भी हल इसका नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं, ओके दोस्तों। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों क्वेश्चन ये है कि अनुपात a1 by a2 / b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई है कि समानांतर है कि समपाती है। बताना है कि रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेद करती हुई है या समांतर है या समपाती है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर दे दिया बच्चों 5x = 4y + 8 = 0, यहाँ पर दे दिया 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों C के मान बाहर रहेगा दोनों तभी ठीक है, या दोनों अंदर रहेगा तभी ठीक है, एक बाहर एक अंदर होता है तो ठीक नहीं है। अभी बताया गया था जो होता है हम लोग का a1 x + b1y = c1 होगा बच्चों c1, a2 x + b1 b2y = c2,
ये दोनों अंदर आएगा तभी ठीक है और दोनों बाहर आएगा तभी ठीक है। तो बच्चों दोनों अंदर या दोनों बाहर ही होने चाहिए, एक अंदर एक बाहर नहीं होनी चाहिए। ध्यान देंगे बच्चों, तो हम लोग को होता है ए वन ए टू। ध्यान देंगे यहाँ पर ए वन का मान हो जाएगा पाँच, ए वन का मान पाँच, बी वन का मान आई का मान इसका फोर, और सी वन का मान कितना है बच्चों एट। इसको बाहर करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे हम लोग आएगा बच्चों ए टू सेवन आ जाएगा बच्चों, और बी टू कितना बच्चों बी टू कितना आएगा सिक्स, बी टू सिक्स, और सी टू कितना आएगा मान इसका नौ। चूँकि ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। अब होता है बच्चों ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू देखते हैं बच्चों ए वन अब बटा में ए टू, ए वन बाई ए टू कितना बच्चों ए वन बटा में ए टू पाँच बटा में सात, पाँच बटा में सात। अब देखें बच्चों अब बी वन बटा में बी टू क्या बच्चों, बी वन बटा में बी टू, बी वन का मान कितना है माइनस का फोर, और बी टू का मान कितना बच्चों सिक्स, बी टू मान सिक्स। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। देखें बच्चों ए वन ए टू आर नॉट इक्वल टू क्या बच्चों बी वन बी टू, लिखेंगे चूंकि यहाँ पर ए वन बटा ए टू आर नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ए वन बाई ए टू आर नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है बच्चों प्रतिच्छेद करती हुई होगी, रेखाएं क्या होंगे प्रतिच्छेदित होगी, रेखाएं हम लोग होंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होंगे बच्चों हम लोग का प्रतिच्छेद करती हुई होगी। ध्यान देंगे ए वन बाई ए टू आर नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई होगी और सब बराबर है, सब बराबर से रेखाएं क्या होंगे समपार्ती, यदि एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगे समानांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, ए वन ए टू बी, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। देखते बच्चों ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, इसको मिटा दे रहे बच्चों, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ध्यान देंगे इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर ए वन का मान कितना बच्चों ए वन का मान नौ हो जाएगा बच्चों, बी वन का मान कितना होगा बच्चों तीन, बी वन का मान तीन, और सी वन का मान कितना होगा बारह। ये दोनों सी के मान बाहर रहेगा तभी दिक्कत नहीं है और अंदर रहेगा तभी दिक्कत है, लेकिन दोनों बाहर होनी चाहिए या दोनों अंदर होनी चाहिए, एक बाहर एक अंदर होगा तो दिक्कत है। ध्यान देंगे ए टू का मान कितना होगा बच्चों अठारह, बी टू का मान कितना होगा छः, और सी टू का मान चौबीस, सी टू का मान चौबीस। अब आइए बच्चों तुलना करते हैं हम लोग अनुपातों का, क्या होता है ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू, ए वन का मान कितना बच्चों नौ, ए टू का मान अठारह। कटने वाला है बच्चों आराम से कट जाएगा, नौ एकम नौ, नौ दूना अठारह, तो एक बटा दो आ गया। ए वन बाई ए टू का मान कितना आ गया एक बटा दो। अब देखेंगे बी वन बाई बी टू क्या बच्चों, बी वन बाई बी टू, तो बी वन का मान कितना बच्चों तीन, और बी टू का मान छः, तीन एकम तीन, तीन दूना छः, ये भी कट गया, कितना गया बच्चों वन बाई टू आ गया, वन बाई टू। अब देखेंगे C1 वन बाई सी टू, अगर ये दोनों बराबर न मिलता तो हम लोग आगे न बढ़ते, जब यहाँ पर ये दोनों बराबर आ गए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके यहाँ पर ये दोनों बराबर ही नहीं मिलता था तो हम लोग आगे नहीं बढ़े थे, इसी प्रकार यहाँ पर दोनों बराबर है तो आगे बढ़ेंगे। C1 वन बाई सी टू, सी वन का मान कितना बच्चों बारह, और सी टू का मान चौबीस, बारह कम बारह बार दो ना चौबीस, इसका भी मान कितना बच्चों एक बटा दो। चूंकि तीनों आपस में क्या है बराबर है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। चूंकि ना वो आप लोग, चूंकि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तीनों आपस में क्या बच्चों बराबर है, इसीलिए इसीलिए रेखाएं क्या होंगे संपाती, रेखाएं क्या होंगे बच्चों संपाती, क्या होंगे रेखाएं संपाती। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है उसको भी देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री बताया गया है बच्चों, अभी बताया गया था बच्चों, होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, प्लस में सी वन लिख दो या इक्वल टू के बाहर सी वन को भेज दो, फिर ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू में सी टू, ये दोनों अंदर आएगा तब भी सही है या दोनों बाहर आएगा तब भी सही है, बार बार इसको बता रहे हैं, ठीक है ना, गलती ना करना आप लोग। प्रत्येक एग्जाम में कम से कम दो या तीन नंबर की इसमें से ऑब्जेक्टिव आता है। तो ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ए वन का मान कितना होगा बच्चों छः, बी वन का मान कितना होगा गाइज तीन, बी वन का मान तीन। ध्यान देंगे बच्चों सी टू सी वन का मान क्या, सी वन, सी वन कितना आएगा हम लोग का दस, सी वन आएगा दस। ओके अब ध्यान देंगे ए टू बी टू सी टू, ए टू का मान टू,
ध्यान देंगे बच्चों, बी टू को मान मांस का वन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो मांस का वन, जब कुछ भी नहीं रहता तो यहाँ पर एक है, इसका क्या है माइनस, तो मांस का वन। सी टू का मान क्या है दोस्तों, सी टू का मान कितना आएगा 9। अब ध्यान देंगे होता है अनुपात करेंगे ए वन बाई ए टू फिर बी वन बाई बी टू, अनुपात ज्ञात करते हैं बच्चों ए वन बाई ए टू, ए वन बाई ए टू भाई ए वन का मान ये ए टू का मान 6/2, कटाएंगे 2 × 2 = 6 कितना आएगा दोस्तों 3। बी वन बाई बी टू क्या दोस्तों, बी वन बाई बी टू, ये बी वन का मान हो गया मांस का 3 और बी टू का मान मांस का 1, मांस का 1, मांस मांस क्या होगा कैंसिल, एक नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पारा में 3 कितने बट में 3 बट में, तो ये भी क्या हो गया बच्चों बराबर, ये दोनों आपस में जब बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा यहीं पर छोड़ देंगे जब बराबर नहीं रहेगा तो। अब देखेंगे बच्चों सी वन बाई सी टू क्या, सी वन बाई सी टू, सी वन का मान कितना है 10 और सी टू का मान 9, क्या ये कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा, ये तो दोनों बराबर है, ये तो दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो कंडीशन बनेगा चूंकि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है बट ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए रखाए क्या होंगे हम लोग का समांतर, इसलिए रखाए होंगे हम लोग का समांतर, रखाए समांतर होगी। बच्चों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद पड़ा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।